तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आईवी फ्लूइड जो एनएस से उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एनएस के बारे में जानेंगे कि इनका यूज हम कब कब और कहां कहां करते हैं, इनके डोजेज क्या है और किन पेशेंट को देने पर इसका बहुत ज़्यादा घातक दुष्परिणाम भी होता है। जानेंगे सारी जानकारियाँ इसी वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो एनएस है, एनएस को हम नॉर्मल सेलिन भी बोलते हैं, नॉर्मल सेलिन वाटर भी बोलते हैं। हमने इस चैनल पर ऑलरेडी ही आईवी फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं अपलोड कर दिया है, जिन्हें आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए हम एनएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एनएस है, एनएस को हम नॉर्मल सेलिन वाटर बोलते हैं। और अगर हम इनकी कंपोजिशन के बारे में बात कर लें तो इनमें सोडियम क्लोराइड मिला होता है 0.9% कंसंट्रेशन के साथ। जो सोडियम क्लोराइड है वो पर 100 ml के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिजोल्व होता है। ये 100 ml, 500 ml और 1000 के ml में अवेलेबल होते हैं। अगर हम इनके अब यूज के बारे में बात कर लें कि इनका यूज कब कब और कहां कहां करते हैं, तो जनरली आपको पता है ये वाटर बॉटल शरीर में किसी भी प्रकार से पानी की कमी हो गई हो उसके इसमें इसका यूज किया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन में इसका यूज किया जाता है। वोंड यानी जो घाव है, घाव को वाश करने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का घाव हो, वोंड हो, उनको वाश करने के लिए, साफ करने के लिए भी जो एनएस है इसका यूज किया जाता है। कुछ टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल, जैसा कि आप लोगों ने मोनोसेप को भी देखा होगा, जो मोनोसेप है वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ डिजोल्व करके पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो एनएस है, एनएस का भी यूज जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल इंजेक्शन है उनको डिजोल्व करने के लिए किया जाता है, और बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गए उनके कुछ यूजेज के बारे में। और बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि कुछ इंजेक्शन हैं जब उनके जो डोज है उनको बढ़ाकर पेशेंट को लगाया जाता है, चढ़ाना होता है, तो उस केस में 100 ml के बॉटल में या 500 के बॉटल के साथ जो इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट को, दोनों तरीके से। और इसके साथ साथ बहुत सारे इंजेक्शन हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो उस केस में एनएस के साथ या तो एनएस में उसको डिजोल्व कर आईवी फ्लूइड्स के थ्रू, ड्रिप के थ्रू पेशेंट को चढ़ाया जाता है, जिससे कि जो इसकी उसकी स्ट्रेंथ हो वो धीरे धीरे जाए और पेशेंट पर अच्छे से वर्क करे। अब बात कर ले हम इनके डोजेज के बारे में। तो जो इनका डोज है वो पेशेंट के बीमारी और अवस्था के आधार पर निर्भर करता है कि किस टाइप का बीमारी है, उनकी अवस्था क्या है, उसके आधार पर इनका यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम इनके कॉमन डोज के बारे में बात कर लें तो इनका जो कॉमन डोज होता है वो है 2000 to 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी कि 2000 ml से लेकर 3000 ml 24 घंटे में पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। अब हम लास्ट में बात कर लें किन पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उस केस में एनएस का यूज नहीं करें, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड मान लीजिए नमक का मात्रा ही मिला हुआ है, जिसको देने से पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और पेशेंट को घातक दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो जब भी कोई भी ड्रिप लगाएं तो पेशेंट का शुगर, बीपी, ये सारी जो हैं उनको मेजर कर लें, उसके बाद ही किसी भी टाइप्स का ड्रिप लगाएं, चाहे कोई सा भी केस हो। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।